चलिए जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड वी स्टार्ट नाउ। ओके, पहले ये बताइए कि आपको जो वोकैबुलरी सेशन, इसमें पूरा सेक्शन है, 10 क्वेश्चंस हैं उसमें, वो कैसा लग रहा है? इजी है, मुश्किल है? है ना, तो अभी देख लेते हैं नंबर कितने हैं और समझ भी लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पिछले भी आपने कुछ सेशंस किए उसमें यही देखा था आपने कि अगर हम रट्टे मारते हैं तो याद नहीं होता है, तो हम एक ट्रिक से करते हैं, तो उसके आगे कुछ ना कुछ, एक तो हिंदी लिखेंगे आप उन वर्ड्स की जो जो इसमें ऑप्शंस हैं, प्लस उसे याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है। 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 सिनोनिम हैं, 2 एंटोनिम हैं, 2 वन वर्ड हैं, 1 स्पेलिंग है और बाकी इडियम्स हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये वाला, सिनोनिम वाला। ठीक है, इसमें आ रहा है इंट्रांसिजेंट, 4 ऑप्शन हैं। इंट्रांसिजेंट का मीनिंग होता है जिद्दी, लिख लो जिद्दी, या नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज, जिद्दी, या इंग्लिश में ये भी लिखिए नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज, जो कंप्रोमाइज को तैयार ना हो, नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज। ओके, ये क्वेश्चन वन वर्ड में कई बार पूछा गया है, ऐसे लाइन आती है अ पर्सन हु इज नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज इज कॉल्ड इंट्रांसिजेंट। ठीक है, या इसका जो राइट ऑप्शन है, पहले चारों के मीनिंग देख लेते हैं, मैं ये इसके बाद बताऊंगा कि याद कैसे करना है। हिलेरियस का मीनिंग होता है बहुत खुश, हैप्पी, जो कि राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मार्टिनेट होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि हमें तो चाहिए जिद्दी और ये स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट जिद्दी नहीं होता। ठीक है, इफ आई एम अ स्ट्रिक्ट टीचर, तुम्हारी बुक कहाँ है, दफा हो जाओ, ये क्या है, तो मैं स्ट्रिक्ट हूं बट मैं जिद्दी थोड़ा ना हूं, है ना। अच्छा, इंट्रैक्टेबल इज द राइट ऑप्शन, जिसका मीनिंग यही है जिद्दी। ठीक है, सबमिसिव, सुना हुआ है वर्ड, आज्ञाकारी, झुकने वाला। अच्छा, अब ये तो यहां की बात हो रही है कि मैंने बताया और आपने लिख लिया, बट एग्जाम में पता है क्या होगा, अगर एक क्वेश्चन दोबारा आया आपको याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हमने किया भी हुआ है, ये सच है, है ना। तो इन दोनों वर्ड को, एक ये और एक ये, इन्हें कैसे याद किया जाए, इसकी ट्रिक देखिए। फाइन, पहले लेते हैं इसकी, इंट्रैक्टेबल का मीनिंग क्या है, जिद्दी, इंट्रांसिजेंट का भी मीनिंग है जिद्दी। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन, फाइन। अब इंट्रैक्टेबल वर्ड को कैसे याद किया जाए, इसमें एक वर्ड आ रहा है ट्रैक, 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 ट्रैक्टर, तो ये जो ट्रैक्टर वाला आदमी है जिद्दी है, लिख दो लिंक, ट्रैक्टर वाला आदमी जिद्दी, ट्रैक्टर वाला इंट्रैक्टेबल, रितेश या अंदर भेजो या बाहर, बातें मत करो वहां पर। ठीक है, यस और नो, ठीक है ना, तो ट्रैक्टर वाला कौन है, इंट्रैक्टेबल। अच्छा, एक और चीज देखिए मजेदार, यहीं से एक और वर्ड बनता है जो ट्रैक्टेबल, ये इंट्रैक्टेबल है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसे नॉट इक्वल टू का साइन लगा के लिख दो ट्रैक्टेबल, तो ट्रैक्टेबल का मीनिंग इसका उल्टा हो गया। तो बताइए ट्रैक्टेबल का मीनिंग क्या होना चाहिए भाई, ये तो है जिद्दी, इंट्रैक्टेबल, तो जिद्दी का उल्टा क्या होगा, कोऑपरेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये देखिए सबमिसिव नहीं हो सकता, सबमिसिव तो होगा आज्ञाकारी, मैंने तुम्हें कहा कि ये कुर्सी उठा के यहां रख दो, तुमने कर दिया, तो तुम क्या हो, सबमिसिव हो, बट मैंने कहा ये करो, तुम कहते हो मैं नहीं करता, तो हो गए जिद्दी। ठीक है ना, तो इस तरीके से करते हैं। ओके, जब वर्ड्स की नॉलेज आएगी सब इजी लगेगा। अच्छा, अब एक और ऑप्शन, एक और हम लिंक कर रहे हैं, वो है इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट का भी मीनिंग है जिद्दी, कैसे याद करेंगे, ये देखिए ट्रांस जेंट्स, ट्रांस यमुना है ना, ये यमुना नदी है, इसके उस साइड पे जो लोग रहते हैं उसे कहते हैं ट्रांस यमुना, शादरा, गीता कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, वो जो वो पार्ट है सोनिया विहार, वो क्या है, ट्रांस यमुना कहते हैं, यमुना पार हिंदी में। तो कह रहे ट्रांस, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, हाँ, ट्रांस यमुना के जैंट्स होते हैं बड़े जिद्दी, सारा कूड़ा यमुना में ही फेंकते रहते हैं, है ना, तो लिख दो ट्रांस यमुना के जैंट्स, वैसे होते नहीं है, हमने यहां वर्ड में बना दिया है उन्हें, हाँ, क्योंकि याद हो जाए, तो ट्रांस यमुना के जैंट्स होते हैं बड़े जिद्दी, इंट्रैक्टेबल होते हैं। अच्छा, अब आप किसी से पूछेंगे ना कि जिद्दी की इंग्लिश क्या होती है, तो वही 5-6 वर्ड होते हैं, एडामेंट होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, ये सब, बट स्टबन होता है ना, परंतु ये वर्ड एग्जाम में आते हैं, वो वर्ड एग्जाम में आते नहीं,
जो कूल होते हैं ना, इजी वर्ड होते हैं, वो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, कंपटीशन ज्यादा है, लाखों लोग बैठ रहे हैं, सीटें हैं इतनी, है ना, तो क्या करेंगे, टफ क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको अपने आप को टफ के लिए रेडी करना है। इजी आ गया तो बोनस, बट इजी क्वेश्चन आ गया तो बोनस नहीं, नुकसान होगा। पता है क्यों? क्योंकि सारी जनता के आंसर सही होंगे, दो और दो चार तो सभी को आता है। मजा तो यह है कि आपने तैयारी अलग से की हो और मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, सब रोते रोते बाहर निकलेंगे, आप हंसते हंसते, है ना, अपनी हंसी को थोड़ा दबा भी लोगे बाहर कि इट्स ओके, अब तो हो ही गया, है ना। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, हिलैरिटी, ये भी है क्वेश्चन नंबर टू, इट्स अबाउट सिनोनिम्स, इट्स अबाउट सिनोनिम्स। ये दो क्वेश्चन सिनोनिम के हैं। अभी अभी बताया था हिलैरिटी का वर्ड आया था, क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। अच्छा, लिख लेंगे इनके मीनिंग। कंटेम्पलेशन तो होता है विचार, या ऑब्जर्वेशन भी होता है इसका मीनिंग। क्या क्या? विचार, थिंक ओवर, या ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या इंस्पेक्शन भी होता है, यह भी लिख लेना, ऑब्जर्वेशन, विचार करना, या इंस्पेक्शन, ठीक है। सोम्बर होता है सैड, और आपने पहला टेस्ट किया हो तो उसमें बताया था सांबर बी के सोम्बर हो गया है ना, सोम्बर मीन सैड। सैड वर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा तो सोम्बर आएगा, ठीक है। मर्थ का मीनिंग होता है खुशी, मर्थ इज खुशी, एंड मोरोज का भी मीनिंग है सैड, सैड, बिना रोज के लाइफ मोरोज, ऐसे याद करते हैं। चार हो गए, राइट आंसर क्या है, मर्थ, मर्थ इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि खुशी है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों वर्ड का मैं लिंक बता देता हूं, इसका और इसका, ठीक है। ये देखिए पहले हिलैरिटी का, हिलैरिटी का मीनिंग है खुशी। आपको पता है सबसे पहले इस दुनिया में माउंट एवरेस्ट पे जो पहुंचा था उसका नाम याद होगा, जीएस में पढ़ा हो, एडमंड हिलैरी फ्रॉम न्यूजीलैंड, याद है, एडमंड हिलैरी। तो हिलैरी जब पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट पे, खुशी हुई होगी या दुखी हुई होंगे, खुशी, तो वही है हमारा लिंक वर्ड, हिलैरिटी फॉर एडमंड हिलैरी, हिलैरिटी फॉर एडमंड हिलैरी। उन्हें हो रही है इस समय बहुत खुशी कि वो पहुंच गए हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर। सो हिलैरिटी फॉर एडमंड हिलैरी, ठीक है। और हिलैरिटी एक नाउन है, इससे एक एडजेक्टिव बनता है हिलैरियस मूवमेंट, बहुत ही हिलैरियस मूवमेंट थी उसके लिए जब उसने वर्ल्ड कप जीता, जो उसका उसने रिजल्ट में टॉप किया कॉलेज में या स्कूल में, तो हिलैरियस मूवमेंट ऐसे बनता है। अच्छा, ये लिखा आपने, ठीक है। अच्छा, अगला मर्थ, इसका भी लिंक बता देते हैं। मर्थ का मीनिंग भी है खुशी, जो भी राइट ऑप्शन में था, ठीक है। मर्थ, 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 बर्थ, जब फैमिली में होता है किसी का बर्थ तो आ जाती है मर्थ, खुशी। लिख दो बर्थ से मर्थ, बर्थ से मर्थ। आपने तो हमारी क्लास की हुई है, याद होंगे सारे वर्ड, मर्थ, मरोज, है ना, ओके। तो बर्थ से मर्थ आती है, यानी कि खुशी, ठीक है, ओके। मर्थ, हिलैरिटी, ये सब सिनोनिम है। थोड़ा वॉइस, नेक्स्ट चल सकते हैं आगे। अब आ गया एंटोनिम का क्वेश्चन, फ्लिमॉक्स। फ्लिमॉक्स का मीनिंग पता है क्या होता है, क्या होता है, कंफ्यूज्ड, भ्रमित, लिख लो कंफ्यूज्ड, भ्रमित। एडवांस तो सुना होगा, एडवांस क्या होता है, आगे, एडवांस्ड मैथ्स पढ़ते हो आप, आगे का, शुरू में नहीं बाद में पढ़ते हैं ना, एडवांस्ड इंग्लिश, एडवांस लेवल पे हैं, एडवांस हो गया। कंसील का मीनिंग होता है छिपाना, टू हाइड लिख सकते हैं, हाइड या छिपाना, इंग्लिश या हिंदी जिसमें आप लिखना चाहें, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि इंग्लिश में लिखो, डबल वर्ड याद होंगे आपको, बट आपकी मर्जी, जिसमें मर्जी लिखिए। क्लैरिफाई का मीनिंग होता है क्लियर करना, सही करना, क्लियर करना। एंड ऑफस्केट इज द राइट ऑप्शन, कॉम्प्लिकेटेड का मीनिंग है कंफ्यूज्ड, ठीक है। सॉरी, वी आर डूइंग एंड डन, ओ यस यस यस, ये सिनोनिम आ गया, ठीक है। राइट ऑप्शन इज क्लैरिफाई, मैं सिनोनिम में चला गया, एंटोनिम में। अच्छा, एक मजे की बात, ऐसा एग्जाम में भी होता है, ऐसा एग्जाम में भी होता है, और एग्जामिनर एक गेम खेलता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या, जब आप एंटोनिम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जैसे अभी मुझसे गलती हो रही थी, क्या कि आप कहीं ना कहीं करते 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 क्या होता है, आप सिनोनिम कर बैठते हो जल्दबाजी में, और उसने शुरू में ही लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो पहले ही बंदा बच्चा करता है जल्दी करना है, सबका पेपर हो गया, इतने रह गए, टिक टिक, उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो ये राइट ऑप्शन ही है, ये तो सिनोनिम है, अगर सिनोनिम का क्वेश्चन होता तो ये राइट ऑप्शन होती, दिस इज द राइट ऑप्शन। देखिए क्लैरिफाई, क्लैरिफाई इज द राइट ऑप्शन, क्लियर करना चीजों को,
इजी कर देना, बट ये तो है कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूज। अच्छा अब इन दोनों इस वर्ड को समझते हैं कैसे याद करेंगे। फ्लिमॉक्स, फ्लिमॉक्स का मीनिंग है कंफ्यूज। फ्लिमॉक्स आपने फिल्म ऑन फॉक्स, आप फिल्म देखने गए थे इंसानों की और वो सिनेमा हॉल में जो फिल्म देख रहे थे वो निकली फॉक्स के ऊपर और आप कंफ्यूज हो गए, यार ये हम कहां आ गए। तो लिखिए फिल्म ऑन फॉक्स ने फ्लिमॉक्स कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। फिल्म ऑन फॉक्स ने फ्लिमॉक्स कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। फिल्म ऑन फॉक्स फ्लिमॉक्स। तो कभी आपको ये कहना हो ना कि आई एम कंफ्यूज, तो आप बोलिए आई एम फ्लिमॉक्स, ठीक है, डिस्कॉम्बिलेटरी, गुड, ओके। एंटोनिम का एक क्वेश्चन और ये भी रहा, ये राइट ऑप्शन क्लैरिफाई, ठीक है। रिकरेंट भी है एक ऐसा क्वेश्चन, एंटोनिम वाला है ना, ध्यान रखना एंटोनिम वाला। अच्छा अब जिन बच्चों को वर्ड की नॉलेज नहीं होती वो ना या तो छोड़ देते हैं या फिर दिमाग लगाते हैं कहीं और। करंट करंट करंट, दो तो वर्ड करंट की आ गए, तो अब क्या करोगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अब आप क्या हो जाओगे, फ्लिमॉक्स हो जाओगे, फ्लिमॉक्स, है ना। अच्छा रिकरेंट का हिंदी लिखिए बार बार होने वाला, अक्रिंग अगेन एंड अगेन, बार बार होने वाला, अक्रिंग अगेन एंड अगेन। जैसे हम कहते हैं क्राइम इन द सिटी इज रिकरेंट, ये क्राइम बार बार हो रहा है, रुक ही नहीं रहा, पुलिस रोकने में असमर्थ है, है ना, तो उसे कहते हैं क्राइम इज रिकरेंट। इन सब के मीनिंग देखिए, कॉनकरंट, ये दोनों वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कॉनकरंट का मीनिंग ये नहीं होता, इसका मीनिंग होता है एक ही समय में होने वाला, अकरिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में होने वाला। कैसे होगा, कोई एग्जाम्पल देंगे, क्या चीज होती है जो एक ही समय में होती है, कौन सी चीज जो एक ही समय में होती है। जिस समय आप यहां क्लास कर रहे थे उसी समय कुछ और भी हो रहा था, आपके घर में खीर बन रही थी, है ना, फाइन। नीचे कोई किसी की बाइक चुरा रहा था, उसी समय ऊपर एसी ठीक हो रहा था, ये क्या समय रहे, एक ही समय में हो रहा है ना, ठीक है। मैंने जान के बाइक बोला, कार नहीं बोला, कोई कोई मेरी बातें सच हो जाती हैं तो मैं कार पे आते, इसलिए मैंने पहले कार बोलते बोलते बाइक बोला जी। कौन करंट राइट आंसर नहीं है। करंट प्रवाह होता है, वायु प्रवाह या जल प्रवाह, ये भी राइट आंसर नहीं है। इंटरमिटेंट होता है, रुक रुक के होने वाला, फिटफुल भी कहते हैं इसे, लिख लो रुक रुक के होने वाला। एंड द राइट ऑप्शन इज वन ऑफ, राइट ऑप्शन इज वन ऑफ। वन ऑफ का मीनिंग क्या होगा, एक ही बार होने वाला है, ये बार बार होने वाला है, ये एक ही बार होता है। लाइफ में कुछ चीजें एक ही बार होती हैं, जैसे जन्म और मृत्यु, है ना, या फिर हम टॉप कर जाते हैं एक बार, वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, उसी समय तो एक ही बार हुआ, उसके बाद तो अलग ही समय पे होगा। तो ओके वन ऑफ इज द राइट ऑप्शन। रिकरेंट का लिंक वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। वाटर करंट इज रिकरेंट, ये जो वाटर करंट होता है, वायु जल का जो प्रवाह होता है समंदर में, बार बार होता रहता है, देखा होगा कभी समंदर या फिल्मों में, देखा हो यूट्यूब पे देख लेना, बार बार होता रहता है, लहरें आती रहती हैं, प्रवाह, तो लिख दो वाटर करंट इज रिकरेंट। तो वी आर नॉट जस्ट टेलिंग यू द आंसर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आपके आगे अटके तो आपको दिक्कत ना हो और झट से करके आगे बढ़े, है ना। सो वाटर करंट इज रिकरेंट, ओके फाइन। एनी क्वेश्चन अगर कोई दिमाग में आए तो जरूर पूछिए। तो वन ऑफ इज द राइट ऑप्शन, ओके। फाइव नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए वन वर्ड की मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, परंतु बच्चे क्या करते हैं, वही पढ़ के बैठे होते हैं, जो भगवान को मानता है थीस्ट, जो नहीं मानता एथीस्ट, जो हर जगह है ओमनी प्रेजेंट। ये वर्ड इतने सिंपल हैं, अगर ये एग्जाम में आ रहे हैं तो फिर सभी के ठीक होंगे, 98% लोगों के या 95% लोगों के तो सही होंगे, सबने सेम बुक पढ़ी होती है मार्केट वाली। अब अगर आपकी वोकैब की नॉलेज है ना, और उसे अगर टफ पेपर करना है, पता नहीं किस चीज की डेफिनेशन लिख दे, तो उस वर्ड को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप झट से कर लोगे, नहीं तो टेंशन हो सकती है। तो देखिए जी ये वर्ड ये पढ़ रहे हैं, क्या है, अ चार्ज बाय पुलिस और एन आर्म्ड फोर्स इन रिस्पॉन्स टू वन मेड अगेंस्ट देम, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना है इसका मीनिंग। हिंदी में चाहो तो लिख लो एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के लिए पहले इन चारों वर्ड्स को देख लें एक बार। एम पैनल क्या होता है, पैनल में आना,
पैनल में क्या होता है जी, हमारा जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के पैनल में है, ऐसे कहते हैं ना. सो आर इंस्टीट्यूट इज एम्पैनल्ड, ऐसे कहीं बोर्ड पे आपने देखा होगा, लिखा होगा. ठीक है, हाँ, हॉस्पिटल्स, ये हॉस्पिटल इस पैनल में आ गए हैं. आपने जो मेडिक्लेम की पॉलिसी ली थी तो आप उसकी वो लंबी लिस्ट होती है ना उसमें हॉस्पिटल्स की, तो ये वाला हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है क्या, तो पैनल में आना. ओके, एंटिसिपेशन क्या होता है, पूर्व सूचना, एंटिसिपेशन, थैंक्स फॉर द एंटिसिपेशन. कभी आप किसी को लेटर लिखते हैं बुक्स की इंक्वायरी के लिए या कोर्स की इंक्वायरी के लिए, तो लास्ट में एक लाइन होती थी अगर आपको याद है, सिक्स क्लास की लेटर तो याद है ना, ये बैक टू से वाली, उसके अलावा और भी लेटर्स थी, उन्हें भी देखना थोड़ा. तो उसमें लास्ट लाइन होती थी थैंक्स फॉर द एंटिसिपेशन, पूर्व सूचना के लिए ऐसी ऑर्डर करते थे बुक्स का या कोर्स का, उसमें होता था. अब वो आपने नहीं पढ़ी, आपने अगर आई बैक टू से वाली पढ़ी है तो आपको वो याद होगा, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, योर सिंसियरली ओबीडेंटली, जो भी है अपना नाम है ना. चलो कोई बात नहीं. ओके, प्री डायरेक्शन, झुकाव, झुकाव, लाइकिंग. आपकी प्री डायरेक्शन इंग्लिश के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, वोकैब के लिए, क्या प्री डायरेक्शन, झुकाव या लाइकिंग. ठीक है, एंड काउंटर चार्जेस, इल्जाम, आरोप प्रत्यारोप इज द राइट ऑप्शन, काउंटर चार्जेस. बट एक वर्ड मेरे दिल में है कि मुझे आपको बताना चाहिए, जो वो बार बार एग्जाम में पूछा गया. काउंटर चार्जेस के लिए एक और वर्ड है जो बार बार एग्जाम में आता है, इसी का सिनोनिम ये लिख लिया, आरोप प्रत्यारोप, जो कि राइट ऑप्शन है. इसके बदले में हो सकता है वो दे देता, वो भी राइट आंसर होता, तो वो है रेक्रिमिनेशन. लिख दो, रेक्रिमिनेशन का भी मीनिंग यही है, आरोप प्रत्यारोप. इस वर्ड को कैसे याद किया जाए ये मैं आपको बता देता हूं. रेक्रिमिनेशन का मीनिंग है आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना. अच्छा, ये देखिए एक वर्ड आ रहा है, क्राइम नेशन. जब भी दो देशों के राजदूत या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मिलते हैं ना, तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, भैया क्राइम फैला रहा है तुम्हारा नेशन. जी नहीं, क्राइम फैला रहा है तुम्हारा नेशन. लिखिए, ये है रेक्रिमिनेशन, ये है रेक्रिमिनेशन. अगली बार जब ऐसा होना तो एक खाली पेज साथ में जरूर लाना, आपके पास लिखने के लिए जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए, है ना. तो यह है रेक्रिमिनेशन कि फैला रहा है क्राइम तुम्हारा नेशन, यह है रेक्रिमिनेशन कि फैला रहा है क्राइम तुम्हारा नेशन. सो रेक्रिमिनेशन का मीनिंग हो जाता है एक दूसरे पे इल्जाम लगाना. दो छोटे बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं, माता पिता के पास जाके क्या करते हैं, दोनों भाई बहन या दोनों भाई, क्या इसने पहले मारा, नहीं इसने पहले मारा, ये क्या, स्टॉप रेक्रिमिनेशन, स्टॉप काउंटर चार्जेस. ओके, चलिए आगे बढ़े. आहा, एक और आ गया, वन वर्ड, अ फीलिंग ऑफ गुड फेलोशिप अमंग पीपल इन अ ग्रुप. इसका मीनिंग होता है दोस्ती, दोस्ती. इन चारों के मीनिंग देख लें, ये रहे इन चारों के मीनिंग. कैजुअलरी का मीनिंग होता है कॉक्स, मक्खन लगाना या पटाना, फ्लैटर. कॉक्स, विडल, मक्खन लगाना. ग्वाइल, चीटिंग, छल. ग्वाइल, चीटिंग या छल, धोखा. प्रियम्बल स्टेटमेंट होती है, प्रियम्बल इज अ स्टेटमेंट. चारों का मीनिंग आना चाहिए, यानी कि राइट आंसर कर दो. कभी कभी दूसरे वाला राइट आंसर ज्यादा नजदीक होता है, आपको पता नहीं चलता. मीनिंग तो सारे आने चाहिए, मतलब वो क्या इज मैजिक आते हैं तो इससे बढ़िया बात नहीं है. कैमराडरी, कैमराडरी का मीनिंग है फ्रेंडशिप. इज द राइट ऑप्शन, इज द राइट ऑप्शन. कभी भी न्यूज़पेपर में आएगा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में बढ़ रही है फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप नहीं देता वो. वो क्या कहता है, द हिंदू में, हिंदुस्तान टाइम्स में, द कैमराडरी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इज बर्जनिंग. डेवलपिंग भी नहीं कहता, बर्जनिंग. बर्जनिंग वर्ड भी आना जरूरी है फिर तो. ठीक है ना. अच्छा, इसका लिंक वर्ड देख लेते हैं. कैमराडरी का कमीनिंग है क्या, फ्रेंडशिप. और आपको दिखाई दे रहा है इसमें कैमरा. अगर आपके फोन का कैमरा बढ़िया है ना, सबकी फोटो खींचिए, दोस्ती बढ़ाइए, जैसे ये बढ़ा रहे हैं, है ना. तो लिख दो, कैमरा से बढ़ती है कैमराडरी. सेल्फियां लीजिए, दोस्ती बढ़ाइए, है ना. कैमरा से बढ़ती है कैमराडरी, कैमरा से कैमराडरी. तो अभी आप भूलने के लिए नहीं कर रहे हैं, लिखा तो हो गया याद. यहां पर कैमराडरी इज फ्रेंडशिप. याद रखना, न्यूज़पेपर में ना रिलेशनशिप वर्ड देगा ना फ्रेंडशिप, कैमराडरी हेडलाइंस में तो पक्का. स्पेलिंग बताओ कौन सी सही है, आपने किया है ना ये,
तो कौन सी स्पेलिंग है? हरासमेंट। ये तो स्पेलिंग का क्वेश्चन है, इसमें कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। एट नंबर क्वेश्चन इज अबाउट अ फ्रेज और इडियम। गिव अ हाफ सप्रेस्ड टिपिकल स्कॉनफुल लाफ। पहले तो इसका मीनिंग समझाओ क्या है, इसका मीनिंग क्या समझ आ रहा है। स्कॉनफुल क्या होता है? घृणात्मक लाफ। आप किसी पे कभी कभी हंसते हैं, खुल के नहीं हंसते। जैसे एक बंदा है आपकी, उससे ज्यादा पढ़ते नहीं है, वो क्लास में या फ्रेंड सर्कल में आते हो तो आ गया ले देख कैसी टी शर्ट कैसी डाली है, कोई डालता है आजकल ऐसे? ऐसा कर लेते हैं, यानी कि आप खुल के नहीं हंस रहे हैं, दबी हंसी दिखा रहे हैं, है ना। हंस तो रहे हैं बट सामने नहीं। जैसे सपोज आप मुझ पर हंस रहे हैं, तो सपोज करो कि मेरे यहाँ कुछ लगा हुआ है कलर वलर, है ना, ये व्हाइट वॉश हुआ था, यहाँ थोड़ा व्हाइट लग गया, अब मैंने साफ नहीं किया, मुझे पता ही नहीं लगा हुआ है, और आप सब हंस रहे हैं बट मुझे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैं ओहदे में आपसे बड़ा हूँ, तो आप यूं हंस रहे हैं, ए तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं सर कुछ नहीं, फिर मैंने यहाँ कुछ लिखने के लिए हुआ, फिर एक दूसरे को देख, है ना, ये होता है एक दबी हुई हंसी। तो इसके लिए वर्ड देखिए गुफा, इसका ऑपोजिट है। गुफा का मीनिंग होता है खुल के हंसना, खुल के हंसना, टू लाफ होल हार्टेडली इज कॉल्ड गुफा। चकल विद डिलाइट, ये भी खुश होना होता है, जो कि ये दोनों राइट आंसर नहीं है। चकल विद डिलाइट मीन्स खुल के हंसना या खुशी से हंसना, मतलब हंसना ही है। अब बचे दो, वरिंग टू मच, बहुत ज्यादा चिंता करना, ये तो है ही नहीं। द राइट ऑप्शन इज लाफ इन स्लिप्स। लाफ इन स्लिप्स कैसे बना इडियम, सुनिए। ये स्लिप्स हैं, स्लिप हाफ स्लिप, सर्दियों में मैं डालता हूं, आप भी डालते हैं, फुल स्लिप्स, गर्मियों में आती है हाफ स्लिप्स। तो अब कुछ लोग ना जो पेस्ट करके नहीं आते, वो खुल के वैसे नहीं हंसते, वो हंसते हंसते ना यूं कर लेते हैं तो ये स्लिप्स में हंस रहे हैं, समझ रहे हैं, स्लिप्स में हंस रहे हैं। तो ये हो गया लाफिंग स्लिप्स, एक ईडियम हो गया जिसका मीनिंग है दबी हुई हंसी, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, वो है स्निकर, ये भी लिख लो। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है स्निकर, वैसे एक चॉकलेट का भी नाम है, SNICKER, स्निकर का मीनिंग दबी हुई हंसी, ठीक है। तो यहां पर राइट ऑप्शन है स्निकर, लाफ इन स्लिप, सी ऑप्शन। कुछ पूछना है, बढ़ सकते हैं आगे। गुफा, खुल के हंसना, टू लाफ होल हार्टेडली, पूरे खुले दिल से हंसना, टू लाफ इन, टू लाफ होल हार्टेडली। अच्छा, नाइन पे आते हैं, पुट अप विद, ये तो फ्रेजल वर्ब है, ये आपको सीखना होगा। पुट अप विद, चारों के मीनिंग आते हैं क्या? पोस्टपोन करना कोई डिसीजन या मैच, पोस्टपोन। लिव टुगेदर, साथ रहना। टॉरेट का मीनिंग होता है सहना। और काउंटर पार्ट, व्हाट इज काउंटर पार्ट, ठीक है, उससे वो करना, क्या कहते हैं, क्या, नहीं साझा नहीं, क्या कहा आपने, नहीं क्या करना, डिराइव करना, इज करेक्ट, ठीक है। बट राइट आंसर इज, ये फ्रेजल वर्ब है, पढ़ना होगा आपको, दिस इज टॉलरेट, टॉलरेट, ठीक है। एंड आज का वोकैब का लास्ट क्वेश्चन, वोकैब का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 10, कोट बिटवीन टू स्टूल्स। क्या बोला आपने हिंदी में, क्या बोला आपने, डिराइव करना, डिराइव करना, अलग भटक जाना, उससे अलग हो जाना। आप काउंटर पार्ट कर रहे हैं, नो 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 नो, डिपार्ट इज डिफरेंट। अच्छा, ये लास्ट ईडियम है, क्या है, कोट बिटवीन टू स्टूल्स, ये ईडियम तो पढ़ने होंगे, ठीक है। तो चार ऑप्शंस हैं, बताइए आपने क्या किया होगा। डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन टू एक्टिविटीज, सी किया क्या, क्यों किया, किसने कहा था, किसी और ने भी सी किया गया इनके अलावा, आपने भी सी किया, आपने भी सी किया, बाकी और किसी ने नहीं किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, माय गॉड, छह लोगों ने कर दिया, बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट। ईडियम तो पढ़ना होगा, ठीक है। तो 10 में से कितने नंबर आए देखिए, और ये क्वेश्चन अगर दोबारा आ जाए तो इसके लिए तैयार रहिए, ये तो भूलेंगे नहीं आप, है ना। अगर मैं आपसे वैसे ही पूछ लूं कि वैसे ही पेपर रख दो और ये बताइए, अभी आपने एक वर्ड किया था कैमराडरी, व्हाट इज कैमराडरी, फ्रेंडशिप है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड था वो इंट्रैक्टेबल, रिद्धि, ये हो जाएंगे याद, है ना, उसके लिए इंट्रांसिजेंट उसका सिनोनिम था, ठीक है ना।
और एक और वर्ड वो बता दो मुझे, वो क्या था जिसका मीनिंग था कंफ्यूज्ड? फ्लिमॉक्स, फिल्म ऑन फॉक्स, फ्लिमॉक्स ऑफ अ स्केट उसका सना नेम, क्लैरिफाई हमने किया था जो कि राइट ऑप्शन था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना।